हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद कलेक्शन। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुपद लेसन का है। दोस्तों अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो जगह प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर सारे प्रश्नावली का सलेक्शन वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1 अगर आपने नहीं देखा तो जगह प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया एक्स में, तो आप लिख सकते हैं पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 15 इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अगर क्या दिया है, बी का मान आपका नहीं दिया है तो प्लस 0 और एक्स और माइनस 15 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए पी एक्स बराबर, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये पी एक्स आपका हो जाएगा प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस रूट में 15 और एक्स माइनस रूट में 15। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं जब पी एक्स इक्वल टू 0, तो इसको हम एक 0 के बराबर करेंगे, एक्स प्लस रूट में 15 बराबर 0, जब एक्स माइनस रूट 15 बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स के मान माइनस 15 आ जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो एक्स के मान प्लस में 15 आ जाएगा रूट में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में ही रहेगा, आपका 2 शून्य निकल गया। आप यहाँ लिख सकते हैं शून्य बराबर माइनस रूट माइनस 15 और रूट में 15। ठीक है दोस्तों, ये आपका 0 निकल गया। उसके बाद आपको सत्यापित करना है, तो दोस्तों सत्यापित करने के लिए आपका करना क्या होगा, देखिए दोस्तों शून्यकों का योगफल इसके नीचे लिखिएगा, शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर शून्यकों का योगफल आपका निकालना है, यानी कि यह एक शून्य का आया है रूट 15, एक आया है प्लस और एक आया है माइनस में रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 15 जाएगा तो 0, आपका शून्यकों का योगफल 0 आ गया। अब देखिए दोस्तों शून्यकों का योगफल को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों बी का मान क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, तो बी का मान आपका 0 आ गया, और ए का मान क्या है, इसके गुणन में क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 तो बराबर 0, तो ये आपका सत्यापित हो गया, शून्यकों का योगफल यही होता है, बी बटा ए। आप क्या किए, रूट में 15 प्लस माइनस रूट 15 किए तो 0, तो आपका ये मान आ गया। अब क्या करना है, गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, को का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आपको निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई क्या होता है, ए होता है। तो देख लीजिए दोस्तों इसका पहले आप गुणनफल निकालिए, आप गुणनफल निकालिएगा तो रूट में 15 और गुणा माइनस रूट 15, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, ये 15 यानी कि सी का मान, तो सी का मान आपका 15 है, तो सी का मान 15 हो गया, और बाटा ए होता है, तो ए का मान 1 है, ए का मान क्या है, 1 है, 1 से भाग देंगे तो 15, तो आपका 15 आ गया, ये सत्यापित हो गया आपका, और ये आपका 0 निकल गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, एस में दिया था, हम इसको पी एस कर लेंगे, और यहाँ पर दिया है आपका 4s² + 8s, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 4s कॉमन ले लेंगे तो हमारा s + 2 बच जाएगा, s + 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब पी एस इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे दोस्तों, यानी कि 4s = 0, तो s बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0/4 = 0, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हम करेंगे s + 2 = 0, तो s = 2, तो एक मान आपका क्या आ गया, 0, शून्य आपका क्या आ गया, एक 0 आ गया और एक 2 आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, सत्यापित करना, तो सत्यापित करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, तो सत्यापित करने के लिए आप लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, को का योगफल बराबर क्या होता है आपका दोस्तों, माइनस बी बाई ए होता है। अब इसी को आपको क्या करना है, इसको अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, तो शून्यकों का योगफल यानी कि 0 + 2 = 2। आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर बी का मान क्या है आपका, बी के जगह पर 2 है, और बी के जगह पर 2 है तो आपका 2 हो जाएगा, और बाई 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे शून्य को का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल दोस्तों क्या होता है, सी बाई ए होता है, यानी कि यहाँ पर 0 × 2 आप करिएगा पहले तो 0 हो ही जाएगा, सी बाई ए, तो सी के जगह पर आपका क्या है,
का मान नहीं दिया है यानी कि जीरो दिया है, और ए का मान टू है तो जीरो बाई टू करेंगे तो जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सत्यापित हो गया, ये शून्य हो गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें दोस्तों।